ये है माइनक्राफ्ट के सबसे पावरफुल आर्मर और ये इसी माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट आर्मर। रेयरेस्ट क्यों? तो चेन मिल आर्मर, जो क्राफ्ट किया ही नहीं जा सकता, जो अपने आप में ही एक सबसे रेयरेस्ट चीज हुई। इसे और रेयर बनाने के लिए मैं इसके ऊपर साइलेंस ट्रिम लगाऊंगा। साइलेंस ट्रिम इसके मिलने के चांसेस बस 1.2% होती है, वो भी एंशिएंट सिटीज के अंदर। इसे और रेयर बनाने के लिए हम इसको नेदराइट इंगट के साथ पेयर करेंगे। अब क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। वेलकम बैक गाइस, मारो मारो इसको। बिना टाइम पास किए सीधा बढ़ते ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, क्योंकि मुझे एक ही तरीका पता है जिससे चेन मिल का आर्मर मिलेगा, और कोई तरीका शायद तो नहीं होता। तो लग जाओ मजदूरी पे। अब इतने जल्दी कहाँ से आ रहे तुम लोग, थोड़ा भाव खाओ, टाइम लो। अभी तो 25 एक ज़ॉम्बी मारे मैंने, एक्सपेक्टेड है नहीं तुम लोग का आना। तू हटर पीछे ले, ले। ए, तू कहाँ बन रहा चोर, वापस दे। दे तो दिया, चलो लेट्स गो। फर्स्ट चेस्ट प्लेट मिली है, चेन मिली है, हाँ है चेन मिली है। कुछ है इस पे प्रॉट टू, लेट्स गो भाई। कम खर्चा लग जाएगा, मेरा एमराल्ड पे नहीं लगेगा, सेम ही लगेगा ना, मुझे प्रॉट फोर लगाना है तो सेम टाइम जाएगा। वो देखना सामने पूरा का पूरा गोल्ड आर्मर पहन के आया, चेन मिल का नहीं आया था पहन के, एटलीस्ट बच तो जाता। बचता नहीं, चेन मिल का तो मार ही देता मैं उसे। ओ हेलो, इतने क्रीपर भुड़ जाए, बस मेरे हाथ में टोटम नहीं था, आप आ जाओ। तर थॉन से मत मर जाना, मेरे हाथ में ऑरा है, लूटिंग थी का मजा तो लेके देखो, बहुत मजा आएगा। चलो भाई क्लियर तो हो गए सारे, अब तू कुछ दे दे मेरे भाई। माइनक्राफ्ट के 5 दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिला, बस ज़ॉम्बी मारे जा रहा मैं, ना एक चीज मिल रही ना कुछ। दे दे, ओ भाई दिया इसने एटलीस्ट, दैट्स वे टू गुड। इस पॉइंट तक मैं समझ चुका था ज़ॉम्बीज मैन्युअली मार के कुछ नहीं होने वाला, हम पे मॉब फार्म है, वहाँ एफके करते दैट कुड वर्कआउट। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा टाइम ले गया है फार्म पे एफके करना, पर फिर भी हम ये तो बोल सकते हैं कि टेक्निकली फेज 1 कंप्लीट होता है। फेज 2 के लिए हमको साइलेंस आर्मर ट्रिम चाहिए, जो कि मेरे पास पहले से ही है, क्योंकि मेरे बॉडी पर जो आर्मर है वो भी साइलेंस आर्मर ट्रिम ही है। सो साइलेंस आर्मर ट्रिम की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो सिंगल पीस है मेरे पास, उसके लिए मुझको डायमंड चाहिए रहेंगे। हम लोग अभी जाते डायमंड लेके आते, उसके बाद फेज 3 चलते, उसको पूरा का पूरा एन्चांट करना है हमको। अब एन्चांट करने के लिए विलेजर्स तो है, तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, बस हमको एमरल्ड्स ग्राइंड करने पड़ेंगे। पर नॉर ने पूरा का पूरा एमरल्ड बीकर बना रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास एमरल्ड मिल जाएंगे। अब देखते हैं, अगर नहीं होते तो हम खुद ग्राइंड कर लेंगे। इस जगह से मुझको लगभग सारे के सारे एन्चांटमेंट्स मिल जाएंगे, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज़ की दिक्कत आ सकती है, बंदा मेरे को प्रॉड बेचता है, और ये 25 में प्रॉड 3 बेचता है, मुझको 8 खरीदनी पड़ेगी, इस चीज़ की दिक्कत है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद मैंने नॉर्थ से सारे एमरल्ड्स लिए, फिर देखो उसने बढ़िया बीकन बनाया पता है। फिर लग गया मैं डायमंड की माइनिंग पर। कोई जगह है भी यहाँ से निकलने के लिए? अच्छा यहाँ से शायद से निकल जाएंगे हम लोग। You know what type it is? It's lava type. Just kidding. But अब इतनी सारी माइनिंग हो गई, एक भी एंशिएंट डेब्री क्यों नहीं है? अब मैं आ गया हूँ नेदर से, मेन मेन अपर बेस काम तो सारे लगभग हो गए। अब हमारा काम जब सब इनको स्मेल्ट करना है, वह पे ट्रिम में इनको डुप्लीकेट करना है, उनको वापस उस आर्मर के ऊपर लगाना है। मैं भी चाहूँ तो यहीं पे पूरा सेटअप लगा सकता, बट यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्ड है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में नहीं दिखाना चाहता। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा तगड़ी आएगी, बिलीव में तुम्हें पसंद तो आएगी आएगी, बट तब भी मैं अभी तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। इफ़ यू वांट टू सी, मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्दी आ रहे अपन बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉन्टेंट ले गए, चलते अभी एंड में। तो एंड में हम लोग सारी की सारी एन्चांटमेंट्स में आर्मर के ऊपर लगा ही रहा था, मैं बोला तुम्हें दिखा दो एक बार किस किस लग के एन्चांटमेंट्स लग रही है, क्या लग रहा है भाई। एक तो वो ओवरऑल मैं करना चाह रहा था, मैं बट हो नहीं रहा भाई, वो चीज़ एंड में आनी ही पड़ी। मैं बस एंड में रिपेयर करने के लिए आने वाला था, अब तुम्हें एन्चांटमेंट दिखा दूँ, ये देख लो। पहले तो अभी देखा जाए हेलमेट के ऊपर, तो तुम छोड़ो मेरा आर्मर देखो, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है यार? डू अ लाइक फॉर माई आर्मर, आई मीन सबसे रेयर आर्मर मेरे पास पड़ा है, बट तब भी डू अ लाइक फॉर माई आर्मर। ये देख लो, इसके ऊपर प्रॉट 4 मेंडिंग अनब्रेकिंग 3 एक्वा एफिनिटी रेस्पिरेशन थॉन्स 3 लगाए, बाकी दोनों ये जो है नॉर्मल वाले ही, इसके अंदर बेसिक से उतनी एन्चेंटमेंट लगती है। बाकी फिर जूते के ऊपर देखोगे तुम, सोल स्पीड 3, डेप स्ट्राइडर 3, फेदर फॉलिंग 4, प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3, थॉन्स 3, लगभग मैक्स आउट सा बना रखा है आर्मर। समझ लो मेरे वाले आर्मर से भी ये ओपी आर्मर है। अब देखना ये आर्मर पूरा वन शॉट रिपेयर होगा, बस एक शॉट के अंदर। ओ
भाई मैंने पूरे के पूरे आर्मर एन्चांट किए है, लगभग 100 लेवल से भी ज़्यादा मैंने खर्च किया है, क्यों नहीं हो रहा? गुड भाई रॉयल भाई गुड, तुमने मेंडिंग ही नहीं लगाई, बहुत ही बढ़िया हो गया। मैं वही बोलूँ वन शॉट करते हैं ये चीज़, देखना वन शॉट में रिपेयर पर इतना एन्चांट किया, मुझको पता है कितने लेवल लगती है इस चीज़ के लिए। क्या अच्छा काम किया है मैंने, चलो एटलीस्ट इनको तो रिपेयर कर ही लेते हैं। अब इसको रखते, एक काम करता इनको अंदर रख देता है, इसी के अंदर कोई चीज़ चल करके मेंडिंग लाया हूँ मैं, बच्ची है चैनलिंग और ये नहीं, यहाँ भी नहीं है, बाकी सारे चलकर तो खाली हो गए, एंड चेस्ट में रखे हुए। इसके अंदर डाल देते हैं पूरा आर्मर, शूज़ रहने देते हैं। एक तो कूड़ा इतना हो रखा है भाई इंटरपोल का, इंटरपोल भर के मैंने पूरा चलकर भर के इंटरपोल ले लिए, फिर भी बट इनफ नहीं हो रहा इनको। अब बढ़िया है चलो, अब काम धंधा है नहीं मुझको, मैं जाता एक मेंडिंग लेके आता। मैं अच्छा सोचा था कि 100 लेवल करके आज यहाँ से निकलूँगा, बट क्या मेंडिंग लगाने को भी लगेगा मुझको लेवल। चलो भाई लेके आते हैं द मोमेंट ऑफ ट्रुथ साइलेंस आर्मट्रम, ये निकालो भाई चारों हाथ में। ये रहा अपना स्मिथिंग टेबल, यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं, वही सेम रीज़न अगले वीडियो के अंदर पता चलेगा तुमको, एग्जैक्ट जगह भी, क्योंकि इसके एग्जैक्ट जगह भी अभी डिसाइड नहीं हुई है कहाँ रखनी है, मुझको पता है एग्जैक्ट कहाँ रखनी है, बट इस वीडियो के लिए मैं कहाँ रखूँ मुझे पता नहीं। बस ये गया शूज़ गवर्नमेंट डब्रिज, अच्छा ओके डब्रिज वाला सीन नहीं, पहन के देख लेते कैसा लगेगा। शू हेलमेट निकाल लेता ना, मेरी स्किन दिखनी चाहिए नहीं। डैम ब्रो क्या लग रहा वो चीज़, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़ को ना ब्रो। डैम यार क्या दिख रहा वो, लिटरली मैं अभी इसको मेरा पर्सनल आर्मर बना लेता, बट इससे प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा मिलता नहीं है नेदरराइट जितना, इसलिए। बट अगर हेलमेट के साथ देखे तो ना ना हेलमेट के साथ उतना अच्छा नहीं लग रहा, आई मीन मेरी स्किन है कैसे अच्छा लगेगा, मुझसे अच्छा कोई दिख सकता है भला। वट एवर स्टिल यार अच्छा लग रहा है मिट्टी को, बट ये प्रोटेक्शन उतना नहीं दे पाएगा मैं हमेशा के लिए पहन लूँ तो ना ना, उसे मार नहीं सकते अपन लोग उतना ज़्यादा। बट एक बार शेडर्स में देखते हैं हम लोग, एक से क्या हो गया लोड हो जा, लैग हो गया शायद से गेम, ओके शेडर्स हाँ। रो डैम यार क्या दिख रहा है वो, शेडर्स में तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा है वो। शीश स्टिल अभी इसके रखने की जगह मैं देखता हूँ कहाँ रखना है, जहाँ डिसाइड होता वहाँ रखेंगे, क्योंकि इसको मैं जहाँ जगह रखना चाहता वो भी चीज़ में तो मैं इस वीडियो में दिखा नहीं सकता, नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली तुमको वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी। इफ यू वांट टू सी मेक श्योर सब्सक्राइब, फिर से वही बोल रहा मैं। चलो अब इसकी जगह देखते कौन सी रखनी है, आ जा तू भाई इन्वेंटर में, अब लगेगा बढ़िया एकदम। क्या लग रहा है यार, यार मैं पूरा का पूरा जा रहा है साइड के सराउंडिंग के साथ, मैं स्पॉन से ऑन एवरेज 1000 ब्लॉक दूर हूँ, या लगभग 1600 ब्लॉक दूर हूँ मैं घर से, इतना दूर आके लगा हुआ मैं, ये हमारा स्पॉन है बाय द वे हार्डकोर का। चलो फिर बढ़िया है, क्या लग तो बहुत रहा है, देखो यार क्या लग रहा वो, ठीक है वट एवर, बीस प्रोटेक्टिंग द आर्मर। इट्स योर होस्ट ब्रॉयल साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय माय बैड बुई।